आज पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सुखद समाचार मिले हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि सिरोंज में अधिकारियों की भी खूब आलोचना हो रही है। पूरे विदिशा जिले में सबसे कम वैक्सीन सिरोंज में हुआ है। अधिकारी अपनी गलतियां एक दूसरे पर धकेलते नजर आए और अधिकारी मीडिया से इतना परहेज करते नजर आए कि वैक्सीन संबंधित कोई भी जानकारी मीडिया को साझा नहीं की गई। सिरोंज SDM अंजलि साह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कभी किसी मामले को लेकर बाइट नहीं देती है। विदिशा जिले में विधायकों की सूची में सबसे तेज तर्राट विधायकों में सबसे अव्वल है सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा। वैक्सीन के इस महाअभियान में अधिकारियों की लापरवाही में जमकर बरसे। सिरोंज से नरेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जो लोग घरों से नहीं निकले या वैक्सीनेशन कराने से डर रहे हैं अथवा किसी अफवाह के कारण भ्रमित हो रहे हैं, उन सबसे निवेदन है अखिल विश्व के आधार पर, देश के आधार पर वैज्ञानिक जो ने जो चिंतन किया है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जो विचार करके निर्णय लिए हैं कोरोना की बीमारी से बचने के लिए, अपने परिजनों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र आज की दृष्टिकोण से, आज जो व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से एकमात्र उपाय है जीवन रक्षा का। इसलिए भ्रमित ना हो, अफवाहों पर विश्वास ना करें, व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दें और जितने भी क्षेत्र के और देश के प्रदेश के बुद्धिजीवी नागरिक हैं, अपनी सोच समझ रखते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि समाज को जागरूक बनाने के लिए समाज में लोग वैक्सीन को स्वीकार करें, लगवाएं, यह जागृति लाने के लिए मैं सबका हाथ जोड़कर सहयोग हेतु निवेदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश में सभी राज्यों में निःशुल्क बिना पैसे लिए चार्ज के वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाने की सुविधा प्रदान की है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और सभी जनप्रतिनिधियों का, मंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा देकर वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल बनाया। आपने जो प्रश्न किया है कि कई केंद्रों पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की तैयारी कमजोर रहती है, समय पर सूचना नहीं मिलती है। 18 तारीख को ही कहां कहां सेंटर बनेंगे ये तय होकर के और जनता को पता चल जाना चाहिए था, वो नहीं चल पाया। मैं जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की बहुत चिंता कर रहे हैं, उनकी इच्छा और व्यवस्था के अनुरूप जिला प्रशासन समय पर निर्णय ले, समय पर लोगों को सूचित करे, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों, धार्मिक लीडरशिप को बताए, जनता में ठीक से जानकारी पहुंचे, अपने अमले को लगाए और हम सब जनप्रतिनिधि भी जागरूकता लाएं। मैं पुनः एक बार जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार के मंशा के अनुरूप ही जिला प्रशासन काम करे और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक ढंग से सदुपयोग हो, ऐसी वो चिंता करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक चीज़ और है कि जो लोग हैं, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।